प्रेम ये कहानी का एक महामूर्ति है। ये कहानी सदियों पुरानी, एक राजा था और उसका एक बड़ा साम्राज्य था। कई सुंदरी रानियाँ, बहुत सारा धन और हजारों की संख्या में उसके नगर तक होते और एक विशाल सेना था। उसका जीवन सुनाई भी था, इसलिए राजा अपना धन और ख्याति और सम्मान के मात में इतना खो गया था कि वो भगवान का अस्तित्व भी भूल गया। वो यही भूल गया था कि भगवान के प्रति उसका कोई कर्तव्य भी है। लेकिन एक दिन उसका दरबार में आए एक साधु। हरे कृष्णा, जरा इस राजा को तो देखिए, ऐश्वर्य में इतना खो गया जैसे कोई चीज की सुधी नहीं, और ऐसा लगता है इसका धन दौलत और इसका जवानी हमेशा रहेगी। मैंने इसे बहुत समझाया भगवत भक्ति के बारे में, लेकिन ये मूर्ख धनिक भी रुचि नहीं लेता। एक वास्तविक साधु का कर्तव्य क्या है? किसी का घर कुछ देने नहीं, बहुत कुछ देने जाते हैं, और लोगों को सही मार्ग दिखाना एक वास्तविक साधु का कर्तव्य है। और मेरा कर्तव्य है कि इससे सही मार्ग दिखाऊं और नरक जाने से बचाऊं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अरे साधु, आपको प्रणाम है। आप वहां क्यों खड़े हैं? आइए हमारे सिंहासन में विराजमान होइए। सिपाही चल लेकर आओ। हे महात्मा जी, हम आपके चरणों को धोते हैं। हे राजन, आप मेरा चरण धोते हो, मेरे को प्रणाम करते हो, दान भी देते हो, लेकिन मैं जब भी भगवत भक्ति की बातें करता हूँ आप उसे धने की भी रुचि नहीं लेते हो। हे महात्मा जी, समय का अभाव है। एक तरफ तो हमारी है विशाल प्रजा, दूसरी ओर हमारी रानियां, हमारे पुत्र, और आपको तो पता ही है एक राजा के कितने कर्तव्य होते हैं। ओ विष्णु, हम जैसे क्षत्रिय राजा का प्रथम कर्तव्य हमारी प्रजा की रक्षा करना है, और ये भक्ति के कार्य, ये सब आप जैसे साधु महात्माओं को ही अच्छे लगते हैं। ओ विष्णु, हे महात्मा जी, हमारा समाज और हमारा साम्राज्य इतना विशाल है, और हमारे पास धन दौलत स्त्री इनकी कोई कमी ही नहीं है। अतः आप ही बताएं हमको भगवान को याद करने की क्या आवश्यकता है। हे राजन, तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? फिर भी ठीक है, मेरा एक निवेदन है, क्या उससे पूरा करेंगे? अवश्य करेंगे साधु, क्यों नहीं करेंगे, हम तो जरूर करेंगे, क्योंकि हम राजा हैं और प्रजा की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है, और खासतौर पे आप जैसे साधुओं की तो हम हमेशा सेवा करते हैं। बताइए आपको क्या चाहिए? क्या आपको धन दौलत या स्त्री या फिर मेरे राज्य का कोई हिस्सा? बताइए आपको क्या चाहिए, हम आपकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। साधु, हर इच्छा पूर्ण करेंगे। हे राजन, इसका आवश्यकता तुम्हें है, मुझे नहीं। इस चीजों से कोई मुझे आसक्ति नहीं। फिर भी ठीक है, मेरा एक निवेदन है, क्या उससे पूरा करेंगे? बताएं, बताएं महात्मा। हे राजन, आप इस सेना से कहो इस राज्य में भ्रमण करें, और राज्य का सबसे बड़ा जो महामूर्ख जो मिले, क्या कहा, महामूर्ख? हाँ महामूर्ख, अगर वो मिल गया तो छड़ी उसको दे देगा, और कहना इस राज्य में भ्रमण करे, राजन उसको वेतन देना, नाम लिएगा। ठीक है साधु, ये छड़ी तो ठीक है, लेकिन वो महामूर्ख वाली बात मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन जो भी होगा बहुत ही मजेदार होगा, क्योंकि हमारे राज्य में
महामूर्खों की कमी ही नहीं है। हम आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे महात्मा, अवश्य पूर्ण करेंगे। हाँ हे मंत्री जी महाराज, आज्ञा कीजिए महाराज। मंत्री हमारे राज्य में जाएं और जो आपको सबसे बड़ा मूर्ख यानी महामूर्ख मिले उसे पकड़कर हमारे पास लेकर आए। आ गया महाराज। लेकिन हमें एक व्यक्ति से मिलना है और वह है
महामूर्ख जाओ उसे हमारे पास लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज, महामूर्ख को भेजा जाए। इस तरह महामूर्ख को ढूंढकर लाया गया जो खुशी खुशी पूरे राज्य का भ्रमण कर रहा था। आज आज आपने मुझे याद किया। महामूर्ख आ गए तुम। हे महाराज, हमने ही तुम्हें बुलाया। मुझे हमने ही तुम्हें बुलाया। क्यों महाराज? क्योंकि अब हम बहुत दूर जा रहे हैं। बहुत दूर? अच्छा महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे भी साथ ले चलिए ना, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, नहीं? जहाँ हम जा जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ तुम्हें नहीं ले जा सकते। नहीं ले जा सकते? हाँ हाँ। क्यों महाराज? क्योंकि वहाँ किसी को ले जाना संभव ही नहीं है। संभव नहीं है? तो आप अपने रानिया को साथ ले जाने अभी बता। अरे मूर्ख, किसी ने तुम्हें ठीक ही सबसे बड़ा मूर्ख कहा है। क्या? क्योंकि जहां हम जा रहे हैं वहां ना तो रानियों को ना पुत्रों को सगे संबंधी रिश्तेदारों को किसी को भी वहां ले जाना संभव नहीं। संभव नहीं? तुम्हें कैसे समझाऊं? ऐसा करता हूं आपके लिए एक अच्छा संकेत और थोड़ा सा आप उसमें चाहिए मां। बार समझाया कि वहां कुछ नहीं ले जा सकते। कुछ भी नहीं? हाँ, और ना ही वहां हाथी घोड़ा रथ। अरे कथा भी नहीं कथे। वहां कुछ भी ले जाना संभव नहीं। संभव नहीं? हे मंत्री, इस महामूर को समझाओ। समझाओ से समझाना ही बेकार है। आपने बोला नहीं, तो इसका मतलब तो आप क्या चलकर पैदल दूर जाएंगे? जाएंगे ऐसे कि कुछ खाने ठंडन तो लेकर जाइए। मैं मंत्री को बोलता हूँ, मंत्री पैसा लेकर आओ। अरे रुको रुको, तुम्हें बोला समझाया समझ में नहीं आता। महाधन दौलत स्त्री रुपया पैसा यहां तक कि हमारे खजाने का एक सिक्का भी वहां ले जाना संभव नहीं। संभव नहीं? अच्छा तो आपने बताया आप कुछ भी नहीं ले जा पा रहे हो। आप नहीं तो आप खजाने के सीधे कौड़ी ले जा पा रहे हो, तो इसका मतलब तो आप यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा पा रहे हो क्या? अरे छोड़ो छोड़ो इन गलत बातों को। क्यों? और सुनो, जिस कार्य के लिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया हाँ पहले उसे सुनो। सुनो जो कार्य हमने तुम्हें सौंपा तुमने उसे बहुत ही ईमानदारी से और जिम्मेदारी से निभाया। हम चाहते हैं अब तुम अपने कार्य से मुक्त हो जाओ। मुक्त हो जाओ? आज चिंता मत करो। और हाँ, तुम्हारे जैसा ही एक महामूर्ख खोजो। महामूर्ख? और हाँ, हम उसे
सब वेतन हम तुम्हें दिया करते थे वही वेतन हम उसे भी देंगे। वेतन मिलेगा? अच्छा वेतन मिलेगा? अवश्य मिलेगा। और हाँ उसे कहना कि हमारे राज्य में भ्रमण करे। भ्रमण करे? अच्छा हाँ उसे छड़ी भी दे देना। छड़ी? बस हमारी यह अंतिम इच्छा है इसे इसे पूरा किया जाए, इसे पूरा किया जाए। हे मंत्री इसे पूरा करो, पूरा करो। अच्छा तो अभी मुझे भी बड़ा मामूल ढूंढना पड़ेगा। इन सब में से तो आपके पूरा साम्राज्य घूम लिया मैंने, परंतु इन सब में से तो सबसे बड़ा मामूल आप ही लगे मुझे। ये लीजिए छड़ी, अपने पास रखिए। क्या कहा तुम हमें महामूल कैसे कह सकते हो? हम इस राज्य के राजा हैं। इतनी इतनी हिम्मत हमें तुम महामूल कहो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कैसे इधर से कुछ भी नहीं ले जा पा रहे हो? आपने इतनी बड़े बड़े साम्राज्य जीते हैं, इतनी सुंदर रानियां को इकट्ठे किए हैं, इतने सारे पुत्र का आपने जन्म दिए, और आप तो कह रहे हैं इधर से कुछ भी नहीं ले जा पा रहे हो। यहाँ तक कि नहीं आपने इतना खजाना का एक फूटी कौड़ी ले जा पा रहे हो, तो इसका मतलब तो इधर से आप एक तिनके भी नहीं ले जा पा रहे हो ना महाराज? हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। तो क्या आपने इसके बारे में पहले कभी नहीं सोचा? हम मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे? आप तो भोग और विलास में इतने मजे और मस्त थे कि आपके पास तो समय ही नहीं था। आपने कभी ये सोचा भगवान कौन है, भगवान ने हमें क्यों बनाया? कभी ये सोचा भगवान का भक्ति क्या है? कभी आपने इसके बारे में ध्यान दिया नहीं? और ये जो सारे धन संपत्ति दौलत रिश्तेदार साथी संबंधी पुत्र रानियां इकट्ठे किए हैं, ये तो आपके साथ कुछ भी नहीं ले जाने वाले हैं, नहीं आपके साथ जाने वाले हैं, तो ये सब आपके कैसे हुआ? हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो, तुम महामूर्ख नहीं हो सकते। बताओ बताओ तुम कौन हो, तुम कौन हो? क्योंकि इतनी दिव्य ज्ञान की बातें कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। बताओ तुम कौन हो, अपना वास्तविक परिचय दो। बताओ तुम कौन हो? हाँ हाँ मैं मामूर नहीं हूँ, मैं उन्हीं दिव्य साधु का एक शिष्य हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ आपके पास भेजा है। उन्होंने देखा कि आपकी तो भगवत भक्ति पर तनिक भी रुचि नहीं है, और आप तो कह रहे हैं कि आपके पास तो समय ही नहीं है, तो उस साधु ने मुझे ये भेष धारण करके यहाँ आपके पास भेजा है। क्या कहा तुमने दिव्य साधु? हाँ हाँ अभी मैं समझा, वह महात्मा और वो महामूर्ख वाली बात। वो महात्मा तो कुछ धन दौलत नहीं चाहते थे, यह तो उनका मेरे प्रति दिव्य प्रेम था जो उन्होंने उन्होंने तुम्हें यहाँ हमारी सेवा के लिए भेजा, और तुमने अपना सारा जीवन हमारे लिए समर्पित किया। तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, और वो महात्मा महात्मा भी धन्य है।
अच्छा हे साधु, अब यह बताएं कि हम अंतिम समय में क्या कर सकते हैं, हमारे जीवन को कैसे सफल बना सकते हैं और इस मोह माया के बंधन से कैसे कैसे मुक्त हो सकते हैं। हमारा उद्धार करें साधु, हमारा उद्धार करें साधु, उद्धार करें। रो रो के जब जागे तभी सवेरा, हे राजन समय रहते ही पश्चाताप कर लेना, यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी मानी जाते हैं। महर्षि व्यासदेव जी महाभारत में लिखते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य दत्त पशु के नरानं धर्मे तेषाम् अधिको विशेषो धर्मे न विहीन पशु के समान। आहार निद्रा भय और मैथुन ये चार सामान्य कार्य पशु और मनुष्य में समान माने जाते हैं, परंतु मनुष्य में एक विशेष गुण है कि वो भगवान को समझे, भगवान का भक्ति कीजिए, यही सबसे बड़ा मनुष्य में एक विशेष गुण माने जाते हैं। हे राजन, हमारे इतिहास में एक खटवांग नामक राजा हुए करते थे जिनका पास सिर्फ दो घड़ी था, परंतु दो घड़ी में उन्होंने भगवान को धाम को प्राप्त कर लिया। हे राजन, अब अपनी मन से सारी चिंता दूर कीजिए और भगवान के श्री चरण कमलों में अपने मन को लगाइए, उनसे अनुनय विनिनय निरंतर प्रार्थना कीजिए। मनुष्य जीवन मिलकर भगवान का भक्ति करना और भगवत धाम को प्राप्त करना, यही मनुष्य जीवन का असली लक्ष्य और असली कर्तव्य होना चाहिए। साधु साधु साधु, आप सही कह रहे हैं महात्मा, आपकी दिव्य ज्ञान की बातें सुनकर हमारे हृदय में जो पीड़ा हो रही थी भय अब शांत हो गई है। ऐसा लग रहा है मानो हमारी आत्मा बहुत समय से इसके लिए प्यासी थी और अब हमें मृत्यु का भी भय नहीं रहा, मृत्यु का भी भय नहीं रहा। जब भक्ति का बीज डाल दिया जाए तो डर किस बात का, वैसे भी हम अवय चरणारविंद भक्ति विधान तक स्वामी श्री प्रभुपाद की संस्था में है, इसलिए भय होने का कोई जरूरत ही नहीं है। अतः हे राजन बोलिए, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे, हरे हरे। कृष्ण 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 प्राप्त होता है, इसमें राज्य मात्र भी संदेह नहीं।